जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीते दिन एनडीए के संसदीय दल ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को लोकसभा का नेता चुन लिया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज अहम बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। रविवार की शाम 7:15 पर पीएम मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे शिवसेना को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इसके लिए 3 नाम आगे किए गए हैं, जिसमें प्रताप राव जाधव का नाम है जो 7 बार के विदर्भ के बुलढाणा से सांसद रहे हैं। दूसरा नाम शिरंग बारने का है जो तीसरी बार पश्चिम महाराष्ट्र मावल से जीते हैं। तीसरा नाम संदीपन भूमरे का है जो पहली बार औरंगाबाद से जीते, मराठावाड़ा से आते हैं। एनसीपी अजीत के एक सांसद को मंत्री पद मिल सकता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है जो राज्यसभा से सांसद है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 240 सीटें जीती, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई। अब चुनाव में बहुमत से दूर भाजपा 4 सहयोगियों के समर्थन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। वे 4 प्रमुख पार्टियां हैं, एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जिसने 16 सीटें जीती हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू जिसने 12 सीटें जीती हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिसने 7 सीटें जीती हैं और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। शनिवार की एनडीए की बैठक में ये तय हो जाएगा कि किस सहयोगी को कितनी कैबिनेट की सीटें मिल सकती हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीपी के नीतीश कुमार दोनों ही भाजपा के लिए किंग मेकर बनकर उभरे हैं। दोनों नेताओं ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पता चला है कि उन्होंने इन अटकलों के बीच पीएम मोदी को लिखित समर्थन भी दिया है कि विपक्षी नेता दावा पेश करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा और उसके 2 प्रमुख सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू के बीच क्या बातचीत और कैबिनेट मंत्री पद के लिए क्या डील हुई है। समर्थन देने वाली 4 राजनीतिक पार्टियां केंद्र में प्रमुख पदों के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट और चिराग पासवान की एलजेपी भी प्रमुख मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।